एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप्स क्या क्या होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप की बात की जाए इन दी वे ऑफ कि आपको जॉब सेक्टर में कैसे आपको इससे बेनिफिट हो सकते हैं एनालिसिस से। देखिए एनालिसिस अगर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन अगर जो एनालिसिस के थ्रू करते हैं, यानी कि आप क्या बनेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनेंगे। अब फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में मेडिकल फील्ड से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए आपकी 12th किससे, साइंस साइड से पास आउट होनी चाहिए, यानी कि या तो PCM से या फिर PCB से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। उसके बाद में आपकी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी वो आपकी फार्मेसी फील्ड के रिगार्डिंग जैसे एनालिसिस से, केमिस्ट्री से, इकोलॉजी से, सुटिक से या फिर रिलेटेड अदर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी, इनसे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए क्या, आपकी हायर एजुकेशन। उसके बाद में जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पे आपको फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट की पोस्ट पर जाने के लिए आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे संपूर्ण फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से BSV फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।